पांडु प्रखंड में लंबित योजनाओं का कार्य चालू कराने हेतु अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज से। पांडु प्रखंड अंतर्गत लंबित योजनाओं का कार्य तत्काल चालू कराने हेतु प्रखंड कार्यालय परिसर के समक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल आज से प्रारंभ कर दी गई है। इस कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे जिला परिषद सदस्य पांडु अनिल चंद्रवंशी ने कहा, यह भूख हड़ताल 8 सूत्री मांगों को लेकर की जा रही है। इसमें प्राथमिकता के अनुसार बंद पड़े पांडु जलापूर्ति योजना को चालू कराया जाए, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चालू कराया जाए, पांडु प्रखंड के प्रत्येक गांव में जर्जर तार पोल बदलते हुए मीटर लगाए जाए, PWD छूटे हुए कार्य को अति शीघ्र पूर्ण कराया जाए, किसानों को SEC लोन स्वीकृत की जाए, पहले से पदस्थापित पुलिस इंस्पेक्टर को रेहला के बजाय पांडु थाना के पुराने भवन में स्थापित की जाए, नीलगाय के द्वारा किसानों को हो रहे फसल नुकसान का मुआवजा दिया जाए, सरकारी योजनाओं में बालू फ्री की जाए तथा भालू ढो रहे ट्रैक्टरों को पुलिस कदापि न पकड़े। इन्हीं सभी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की गई। धन्यवाद। आज पांडु प्रखंड मुख्यालय पर 8 सूत्री मांगों को लेकर के हम भूख हड़ताल पर बैठे हैं। इसमें मुख्य मांग है पांडु जलापूर्ति योजना जो बंद पड़ा है उसे चालू कराया जाए। दूसरा मांग है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चालू कराया जाए। पांडु प्रखंड के प्रत्येक गांव में जो आज भी बांस बली के सहारे पोल हैं उसको बदलते हुए नया पोल लगाया जाए, तार लगाया जाए। PWD आज लगभग 5 साल पहले विश्रामपुर से लेकर के बेलहारा तक PWD रोड के द्वारा तहत रोड बनाया गया था, जिसमें अभी तक जहां तक PCC करने का बात था, नाली बनाने का बात था, वो अभी तक नाली नहीं बना और उसके चलते काफ़ी लोगों की परेशानी हो रही है, आने जाने में लोग गिर जा रहे हैं, दुकानदार परेशान हैं। पांचवा मांग है किसानों का KCC लोन स्वीकृत किया जाए। लगभग 1700 से 1800 पांडु प्रखंड के किसान का फॉर्म बनांचल ग्रामीण बैंक में जमा है, लेकिन आज तक 3-4 महीना हो गया, आज तक एक भी KCC लोन स्वीकृत नहीं किया गया है। तो मेरा मांग है कि किसानों का KCC लोन को स्वीकृत कराया जाए। छठा मांग है पांडु थाना जो है नया थाना भवन में शिफ्ट हो रहा है, इसके कारण पांडु बाजार जो है असुरक्षित हो जा रहा है और पहले से पुलिस इंस्पेक्टर का एक कार्यालय हुआ करता था पांडु में। हमारा मांग है कि रेहला के बजाय जो पुराने भवन है पांडु थाना का, उसमें पुलिस इंस्पेक्टर का जो कार्यालय पहले से था उसको अविलंब अवस्थित किया जाए और यहीं पर रह करके और हमारे बाजार को सुरक्षित सुरक्षा व्यवस्था दिया जाए। सातवां मांग है नीलगाय के द्वारा पूरे क्षेत्र में किसानों को खेती बर्बाद हो रहा है, कई किसान खेती करना छोड़ दिए। इसका कारण है कि नीलगाय बहुत बड़ा परेशानी का कारण है और सारा खेत को चर जा रहा है, सारा फसल को चर जा रहा है और किसान परेशान है, कोई भी उनको सुनने वाला नहीं है। इसलिए मेरा मांग है कि किसानों का जो नीलगाय के द्वारा या जंगली पशुओं के द्वारा जो फसल का नुकसान हो रहा है उसका भरपाई वन विभाग के द्वारा किया जाए। आठवां मांग है सरकारी जन कल्याणकारी योजना में जो सरकार के द्वारा जन कल्याणकारी योजना चलाए जा रहे हैं, जैसे PM आवास हो गया और 15वें वित्त का योजना है या मनरेगा के द्वारा जो शौचालय निर्माण हो रहा है। पांडु से अनिल शर्मा की रिपोर्ट R9 भारत के लिए।